सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। देवरिया प्रेम में एक दूसरे के नजदीक आए लेकिन परिजनों की अनुमति मिलता न दे घर छोड़कर फरार हो गए ताकि वे अपनी एक अलग दुनिया बना सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके सभी सपने तब अधूरे रह गए जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने बरामद किया और बालिग होने के चलते उन्हें छोड़ दिया, लेकिन न तो उन्हें अपनों ने अपनाया और आज समाज में अपमान झेल रहे हैं। ऐसे प्रेमी युगल के सपने आज पुलिस की पहल पर पूरे होंगे और अग्नि को साक्षी मानक साथ साथ जन्मों तक साथ निभाने का वादा करेंगे। इनके शादी का गवाह हजारों लोगों के साथ ही कई जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी होंगे। मंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस योजना के तहत शादी के खर्च के लिए 5,000, गृहस्थी के खर्च के लिए 10,000 और 20,000 खाते में दिया जाएगा। साथ ही शादी का प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। शादी में अधिक से अधिक गरीब तबके के लोग शामिल हों, इसके लिए कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जोड़ों की कमी होता देख पुलिस अधीक्षक ने एक नई पहल की है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेमी युगलों को भी इसी कार्यक्रम में साथ फेरे लेने की योजना बना डाली है ताकि उन बालिग प्रेमी जोड़ों को समाज में सम्मान मिल सके और मुख्य धारा से जुड़ सके। पुलिस अधीक्षक राकेश शंकर ने कहा कि कम्युनिटी पुलिस अब के तहत पुलिस ऐसे जोड़ों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है जिन्हें परिवार ने ठुकरा दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शामिल कर उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाया जाए।